बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 9 है जी। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन कर को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह, अब हमारी कोशिश यही है कि हम जल्द अज जल्द इस कोर्स को ख़त्म करें। द साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इन सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये बोल रहे हैं कि ये जो राइट ट्राइंगल है जिसमें 90 के एंगल बनते हैं, ठीक है, इसकी जो साइड्स हैं वो उनकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर में। बाज़ दफ़ा मीटर में भी हो सकती होती है और यहाँ पर इन्होंने बोले है सेंटीमीटर। आर एक्स माइनस वन, एक्स एंड एक्स प्लस वन, वो साइड्स भी आपको गिवन कर दी हैं। एक एक्स है, थ्री साइड्स होती हैं, एक एक्स है, एक एक्स माइनस वन और एक एक्स प्लस वन। फाइंड द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, हमने उस साइड्स ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने। अब यहाँ पर हमने ये देखना है इसमें से बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा और हाइपोटेन्यूज कौन सा, ठीक है। हमेशा आपके पास ये देखिए परपेंडिकुलर और बेस को, ये पैथागोरस थ्योरम है, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस को प्लस करके आपके पास हाइपोटेन्यूज आता है। तो इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज आपके पास ग्रेटर होता है तो आपके पास इस सब में ग्रेटर क्या, एक्स प्लस वन इज द ग्रेटर नंबर, ठीक है। आपने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज को एक्स प्लस वन बोल दें, उसके बाद आपकी मर्जी इसको इन दोनों में से किसी एक को परपेंडिकुलर बोल दें और इन्हीं दो में से किसी एक को बेस बोल दें। हमने ये लिख दिया, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट की, परपेंडिकुलर पुट कर दिया और बेस पुट कर दिया, ठीक है। ये पैथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ ऐसे ट्राइंगल पर अप्लाई होते हैं जिसमें एक एंगल 90 का बना हो, मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी और एक्स स्क्वेयर, वैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको भी सिंप्लीफाई किया और ये आपके पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब ये जितनी वैल्यूज हैं इसको एक्स स्क्वेयर किया क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वेयर, इस पूरे को हमने इस साइड पे लिया है तो ये प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वेयर में से माइनस टू एक्स स्क्वेयर को खत्म करेंगे तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा क्योंकि ये वन है और ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है। टू एक्स और टू एक्स कितना हो जाएगा, फोर एक्स। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं एक्स कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, माइनस एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पर एक्स रह जाएगा। अब माइनस कॉमन लिया तो प्लस है तो माइनस आ जाएगा, फोर आ जाएगा। इसको भी इक्वल टू जीरो ले लें, इसको भी इक्वल टू जीरो ले लें, एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड जाए जीरो की तरफ जाएगा तो माइनस खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस फोर है, दूसरी साइड जाके प्लस फोर हो जाएगा। अब यहां पर टू वैल्यूज आएंगे लेकिन हमने एक्स की वैल्यू फोर ली है। क्यों फोर ली है, क्योंकि अगर आपके पास एक्स की वैल्यू जीरो ले लेते, यहां पर बेस की जगह जीरो पुट कर दें तो ऐसा हो सकता है कि ट्रायंगल की बेस ही ना हो, नहीं हो सकता है। तो इस वजह से आपने एक्स की वैल्यू जीरो नहीं लेनी, एक्स की वैल्यू आपने फोर लेनी है और इस x की वैल्यू को आपने पहले इसमें 4 पुट करना है, इसमें भी 4 पुट करना है, इसमें भी 4 पुट करना है, तो आप देख सकते हो 4 5 4 3 आपके पास आंसर आ जाएगा।